तो गाइस, तो आज हम लोग खेलने वाले हैं स्पिरिट ऑफ द डोर। हाँ गाइस, ये चैलेंज रात के 3 बजे से करना होता है आपको, ठीक है। तो मैं एक बुक और पेन ले लेता हूँ। तो ओके गाइस, मैंने बुक और पेन मतलब लिख लिया है एक मैनुअल, ठीक है, जिसपे स्पिरिट को मतलब बनाने के लिए कुछ है, मतलब टेक्निक, ठीक है, थोड़ी सी। तो ये एक है, और हम लोग जो सवाल पूछेंगे वो इससे पूछ लेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, वीडियो 2 दिन से नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे सही से एक अच्छी सी वीडियो नहीं मिल रही थी बनाने के लिए, तो आज मिल चुकी है। तो इसमें आपको करना क्या होता है कि आपको 3 बजे एक जरवादी के पास जाना होता है, ठीक है। वहाँ पर जाके आपको मतलब आप जो भी स्पिरिट को बुलाना चाहते हो तो पहले एक रिचुअल पढ़ना होता है ये वाला, ठीक है। इसको पढ़े बाद फिर जो दरवाजे को आपको 3 टाइम्स नॉक करना होता है, नॉक करे बाद आपको वहाँ पर कोई चीज़ मतलब ऐसी महसूस होती है कि कुछ है। उसके बाद ये जो आपका पेपर है ना, आप जिसमें सवाल पूछोगे, हाँ, ये मतलब अंदर की तरफ स्लाइड होगा और कुछ वो लिख के देगा स्पिरिट, मतलब ऐसा कहा जाता है, और मतलब बहुत सारी वीडियोस में देखा मैंने, तो वो कुछ लिख के भेजता है। तो पता नहीं पहली बात तो सही है या झूठी है चीज़ पहली, ठीक है। तो चलो करते हैं, तो लेट्स गो गाइस। गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको फ़ोन में टाइम बता नहीं सकता हूँ क्योंकि फ़ोन नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो लेकिन अभी टाइम हो रहा है 3:02, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या लिख लिया है तो चलो पूछते हैं इस बार, ठीक है। तो ये सवाल पूछ लेता हूँ मैं। स्प्रेड ऑफ द डोर, मेक योर सेल्फ प्रेजेंट एंड कम थ्रू। स्प्रेड ऑफ द डोर, मेक योर सेल्फ प्रेजेंट एंड कम थ्रू। स्प्रेड ऑफ द डोर, मेक योर सेल्फ प्रेजेंट एंड कम थ्रू। तो मैंने 3 बार बोल लिया, तो 3 बार नॉक करते हैं। तो मैं पूछता हूँ, स्प्रेड आर यू देयर, ठीक है। मैंने डाल दिया यहाँ पर, देखते हैं कोई सवाल आता है या नहीं, ठीक है। कुछ नहीं हुआ है गाइस, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास सभी फैने बने, मेरी कैंडल्स बहुत ज्यादा ब्लफर कर रही है, प्रॉमिस। अरे भाई कैमरा फोकस नहीं कर रहा, ओह फक फक फक। ओके, कैमरे को ज्यादा प्रेफर कर रही। हाँ तो गाइस अभी कुछ नहीं हो रहा है। यारी भाई कैंडल अपने आप रुक रही, अपने आप फ्लेवर हो रही, कसम। स्प्रेड ऑफ द डोर, मेक योर सेल्फ प्रेजेंट एंड कम थ्रू। स्प्रेड ऑफ द डोर, मेक योर सेल्फ प्रेजेंट एंड कम थ्रू। स्प्रेड ऑफ द डोर, मेक योर सेल्फ प्रेजेंट एंड कम थ्रू। तो मैंने 3 बार बोल लिया, तो 3 बार नॉक करते हैं। तो मैं पूछता हूँ, स्प्रेड आर यू देयर, ठीक है। मैंने डाल दिया यहाँ पर, देखते हैं कोई सवाल आता है या नहीं, ठीक है। कुछ नहीं हुआ है गाइस, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास सभी फैने बने, मेरी कैंडल्स बहुत ज्यादा ब्लफर कर रही है, प्रॉमिस। अरे भाई कैमरा फोकस नहीं कर रहा, ओह फक फक। कहने को ज्यादा प्रेफर कर रही। हाँ तो गाइस अभी कुछ नहीं हो रहा है। यारी भाई कैंडल अपने आप रुक रही, अपने आप फ्लेवर को ज्यादा ही फ्लफर कर रही है। जब से देख लो मैं आपसे अभी भी बात करते ही रहता हूँ तो मेरी कैंडल बहुत ज्यादा फ्लफर कर रही है। तो भी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो
इसको यहीं पर एंड करते हैं, पता नहीं इसे क्यों फ्लफर कर रही है। एंड देख लो मैं पूरा इधर हूँ आपके मुंह के सामने, फेस इसके आप खुद देख लो कितना फ्लफर कर रही है ये। देख लो मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ तीन अरसे आगे। भाई साहब ये कुछ ज़्यादा, ये देखो अगर मैं इधर भी हट के अगर बात नहीं कर रहा हूँ तो ये नहीं कर रही है, ये बहुत ज़्यादा कर रही है। मैंने सवाल तो पूछा लेकिन कुछ नहीं आया जवाब। चलो इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है गाइस। होपफुली अभी ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ है, मतलब मैंने बहुत से वीडियोस में देखा है, बहुत से उसमें देखा है कि जब आप कुछ सवाल पूछते हो तो वो पेपर जस्ट अंदर खींचे चले जाता है और स्पिरिट मतलब कुछ अपने मतलब खून से या मतलब कुछ लिख के भेजती है, तो मतलब रिप्लाई करती है आपका। तो मैंने बहुत से वीडियोज़ में देखा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। और मुझे लग रहा है ये गेम फेक तो मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला, क्योंकि ये रात के 3 बजे करना था और मैंने ठीक 3:02 पे किया है। तो अभी मुझे वैसा तो दिख नहीं रहा है, तो मैंने जब वो क्वेश्चन पूछा था उस स्पिरिट से, जब पेपर मैंने नीचे से पास किया था, मैंने उसमें लिखा था कि स्पिरिट आर यू देयर, ठीक है। तो मैंने सिर्फ ये रखा था, तो रिप्लाई कुछ भी नहीं आया। लेकिन मेरी कैंडल्स बहुत ज़्यादा फ्लफर कर रहे थे, मैं कसम से बता रहा हूँ आपको, मेरा फ़ोन यहाँ था, ठीक है, इतनी नज़दीक से मैं बात कर रहा था और वो सबसे ज़्यादा कैंडल लेफ्ट साइड की फ्लफर हो रही थी, आप लोग देख सकते थे। मैं राइट साइड पे था पूरा, क्योंकि माइक मेरा यहाँ पर है, ठीक है, तो मैं पूरा राइट साइड पे आके यहाँ से बात कर रहा हूँ, तो देखो गाइस कितना फ्लफर हो रही है। और वो कैंडल मतलब ऐसे मतलब कुछ अगर मैं बोल रहा हूँ भाई क्या हो रहा है ये, तो सडनली फ्लफर करना स्टार्ट हो जा रही है, मतलब पता नहीं एंटिक चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।